सिंह सरदार रहे थे। किस्सा तमाम सुनिया होगा, किस्सा तमाम सुनिया होगा। लाहौर जिले में छोटा सा एक बंगा गान सुनिया होगा, किस्सा सिंह सरदार रहे थे। किस्सा तमाम सुनिया होगा, किस्सा तमाम सुनिया देंगे। क्या लिखा पहली लाइनों में? सरदार रहे थे।
पुरस्कार दिया और फिर से इस देशभक्ति रागनी पे खुश होकर हमारे अंकल जी मदन पवार जी 10 रुपए का पुरस्कार देते हैं अंकल जी के लिए। जोरदार तालियां प्रेमी श्रोताओं। अंतिम लाइनों में पंडित मांगेराम जी ने रागनी का तोड़ किया। रागनी वही होती है, किस्सा भी वही होते हैं ज्यादातर, बस कलाकार बदल जाते हैं। हर कलाकार का ढंग और लहजा अपने गाने का अलग होता है। रागनी थोड़ी भी अच्छी लग रही हो तो एक बार तालियां बजाकर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहा कि जब भगत सिंह को फांसी होने वाली थी तो अंग्रेजों ने कहा कि भगत सिंह तुम्हें फांसी लगने वाली है, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? भगत सिंह ने कहा, अंतिम इच्छा पूछना चाहते हो? कि हाँ। अरे हम अब भी कहते हैं अंतिम इच्छा मत बताओ, तुम हमसे माफी मांग लो, हम तुझे माफ कर देंगे, फिर हम तुम्हें फांसी नहीं लगाएंगे। भगत सिंह ने कहने लगा, माफी मांगू और वो भी मैं? अरे माफी दो प्रकार के लोग मांगते, एक तो माफी वो मांगता है जो किसी का गुनहगार होता है और दूसरा माफी वो मांगता है जो गद्दार होता है। अरे ना तो मैं अंग्रेजों का गुनहगार हूँ और ना ही भारत माता का गद्दार, इसलिए मर तो सकता हूँ लेकिन भगत सिंह माफी नहीं मांग सकता। अंग्रेज कहने लगा कि क्या तुझे मरने से डर नहीं लगता? तो हंसते हुए भगत सिंह ने जवाब दिया कि लिखा परदेश किस्मत में, वतन को याद क्या करना। जब लिखा परदेश किस्मत में, वतन को याद क्या करना, जहां पे दर्द हाकिम हो वहां फरियाद क्या करना, वहां फरियाद क्या करना। और सुन अंग्रेज, तू यह सोचता होगा कि तुम एक भगत सिंह को फांसी दे दोगे तो तुम्हें तुम्हारे सामने खड़ा होने वाला कोई नहीं मिलेगा। ये तुम्हारा गलत फहमी है कि मैं मर गया तुम्हारे हिंद के उजड़ डेरे हो जाएंगे, कि मैं मर गया तुम्हारे हिंद के उजड़ डेरे हो जाएंगे और मेरे जैसे वीर भगत सिंह और बतेरे हो जाएंगे। एक भगत सिंह को फांसी दोगे, लाखों करोड़ों भगत सिंह खड़े हो जाएंगे तुम्हारे सामने आकर। अंतिम लाइनों में क्या लिखा बोला,
सभी नर नारी, सुनो सभी नर नारी। सुना होगा।